जन सरोकार मंच स्टॉक की इस लाइव श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं सेवन राज एयर स्क्वाड एनसीसी के एनसीसी अधिकारी श्री महेश चौधरी। श्री महेश चौधरी जी का हम बहुत तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं श्री महेश चौधरी जी। इससे पहले कि हम बातों का सिलसिला प्रारंभ करें, हम चौधरी जी से जानना चाहते हैं कि सर आपका जो प्रारंभिक शिक्षा है, आपका जन्म है, ये सब कहाँ और किस प्रकार की रही? सबसे पहले तो जन सरोकार मंच का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस मंच पर आने का मौका मिला जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साथ ही इस लाइव श्रृंखला में जुड़े हुए जन सरोकार मंच की लाइव श्रृंखला में जुड़े हुए सभी दर्शकों का मैं एक बार अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मेरा बचपन कोटा हड़ौती क्षेत्र में ही मेरा बचपन निकला है। मेरा जन्म कोटा जिले के ही गांव में हुआ, मेरी शिक्षा भी कोटा में ही हुई। मैंने स्कूलिंग बाल विद्यालय से ही करी, जिस स्कूल में अभी मैं अपॉइंटेड हूँ एज ए हॉस्टल इंचार्ज, वहीं पर मेरी स्कूलिंग हुई। और आफ्टर दैट मैंने अपनी ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज कोटा से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से की, और मैंने शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन की डिग्री ली, बीएड की डिग्री। उसके बाद मैंने एमएड किया और अभी मैं रिसेंटली साइकोलॉजी में एमए कर रहा हूँ। और साथ में जो मेरे विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर से और रिलेटेड कुछ कोर्स हैं वो भी मैंने कोटा में किए, तो मोस्टली मेरी सारी शिक्षा कोटा में ही हुई है और मैं यहीं पे सर कर रहा हूँ। तो हड़ौती के का ही हूँ एक तरह से जी। मोटे तौर पे ये माना जा सकता है कि आप यहीं पर पैदा हुए और शिक्षा दीक्षा भी यहीं रही, और आपने अपनी आगे की जो सर्विस थी, जो सेवाएं थी, वो भी आपने यहीं पर मिली। लेकिन आपका जो वर्दी का एक लगाव है, वर्दी का जुनून है, जब आप वर्दी में होते हैं तो माशाल्लाह बहुत स्मार्ट दिखते हैं और आपके कैडेट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, तो वर्दी का जो एक जुनून है, ये कहाँ से? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहला तो मेरा जो वर्दी मैंने देखी है मेरे फादर को, मेरे फादर भी राजस्थान पुलिस में इंस्पेक्टर की पोस्ट से रिटायर्ड हुए जी, तो बचपन से ही जब से मैं छोटा हूँ तब से ही मैंने वर्दी पहने हुए मैंने देखा है, वो भी बहुत स्मार्ट लगते थे वर्दी जी। तो एक वर्दी से लगाव तो मेरा वहीं से था, हालांकि मैं किसी फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स में नहीं गया, एजुकेशन के क्षेत्र में आया। लेकिन जब मैं एजुकेशन के क्षेत्र में आया और मुझे हमारे स्कूल में 2009 में एयरविंग की ब्रांच, एनसीसी एयरविंग की ब्रांच राइज हुई जी, तो उस टाइम के प्रिंसिपल साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी दी और एज ए केयर टेकर मैंने सबसे पहले ये चार्ज संभाला एनसीसी एयरविंग का 2009 में। उसके बाद मैं जयपुर में मेरा इंटरव्यू हुआ और उसके बाद मेरी लगभग 2 माह की ट्रेनिंग हुई इस एनसीसी एयरविंग में, एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ मैं रहा, उनका उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता था, शाम को हम ऑफिसर्स मेस में खाना खाते थे जी, तो बहुत सारे अधिकारियों से मिलने का मौका मिला। सौभाग्य है हर एक जब एजुकेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति बिना इस माध्यम के कभी एयरफोर्स स्टेशन में जा ही नहीं सकता। तो वहां जब मैं तो वर्दी के साथ लगाव और आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन जी, तो निश्चित रूप से ये एक जुनून है और एक कुछ करने की एक हिम्मत देता है जी, ये सारी बातें हैं। हम बात चूंकि एनसीसी की कर रहे हैं और आज की ये जो खास बेहद खास प्रस्तुति है, ये हमारे एनसीसी वाले बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो देश में आगे बढ़ना चाहते हैं और वर्दी पहनना चाहते हैं, वो किसी न किसी रूप से ऐसी जॉब में जाना चाहते हैं जहां पर उनको अपने देश की सेवा करने का मौका मिले, तो उसके लिए एनसीसी निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये एनसीसी की संरचना किस प्रकार की? बिल्कुल, आप और ये एनसीसी आखिर है क्या? बिल्कुल, एनसीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे भारत सरकार के अंडर में है
और इसमें लगभग 13 लाख के करीब कैडेट्स एनरोल्ड हैं इस समय। तो मैं कहूँगा कि ये इट्स अ बिगेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जी। तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो संचालन है डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री के अंडर होता है जी। और जो हमारे एनसीसी के हेड है डीजीएनसीसी, वो उनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। उसके बाद पूरे देश के विभिन्न स्टेट्स को 17 डायरेक्टरेट्स में बांटा गया है। 17 डायरेक्टरेट्स में कुछ स्टेट ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं, कुछ इंडिविजुअल ग्रुप्स स्टेट्स हैं, उनको इन 17 डायरेक्टरेट्स में बांटा गया है। प्रत्येक डायरेक्टरेट पे एक डिप्टी डीजी रैंक के अधिकारी होते हैं जो उसको हैंडल करते हैं। जैसे राजस्थान में हमारे डिप्टी डीजी जयपुर में बैठते हैं, इसी प्रकार से स्टेट और जो स्टेट्स के, जैसे एनईआर है वो उसमें सारी स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्ट की हमारी स्टेट है उनकी एक डायरेक्टरेट है एनईआर के नाम। इस प्रकार से पूरे हमारे भारत में 17 डायरेक्टरेट्स में ये बटा हुआ है। डायरेक्टरेट के बाद ग्रुप्स होते हैं जी। इन ग्रुप्स वो स्टेट्स के अंदर होते हैं, जैसे कोटा ग्रुप हमारा एक ग्रुप है जी। उस पे ग्रुप कमांडर उसका कमांडिंग ऑफिसर होता है और वो उसको उस ग्रुप्स के तहत कई सारी यूनिट्स आती हैं। यूनिट्स का यूनिट्स में जो बल्कि मैं हम ये कहें कि जो राजस्थान जो डायरेक्टेड है हाँ, उसमें कोटा ग्रुप, जयपुर ग्रुप, जोधपुर ग्रुप और उदयपुर ग्रुप, चार मेन ग्रुप्स हैं और उनके तहत विभिन्न यूनिट्स आती है। जैसे कोटा ग्रुप के अंदर 7 राज एयर स्क्वाडन है, 7 राज गर्ल्स बटालियन है, 7 एयर की आपकी 14 बटालियन है बॉयज की। तो विभिन्न यूनिट्स होती है और इनका जो कमांडिंग ऑफिसर होता है वो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का होता है। और जैसे हमारे एयर फोर्स में जो होता है विंग कमांडर रैंक के होते हैं हमारे सीओ होते हैं। उसके बाद विभिन्न स्कूल और कॉलेजों में इनके ट्रूप्स होते हैं एनसीसी के, और उस ट्रूप्स का जो कमांडिंग ऑफिसर होता है या जिस उसको कमांड करता है वो होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, चाहे वो कॉलेज में हो चाहे स्कूल में हो, उस ट्रूप का कमांडर होता है वो। तो वो जो हम हैं वो उस ट्रूप के कमांडर होते हैं। इस प्रकार से ये पूरे भारत से लेकर स्टेट से लेकर और एक स्कूल तक इस प्रकार का ये ऑर्गेनाइजेशन है। संरचना को लेकर के दो प्रश्न और मेरे दिमाग में है। वो दो प्रश्न ये है कि एक तो जो एनसीसी है वो भी उसी प्रकार है, इसका एयर का अलग विंग है हाँ। और थल सेना का अलग है बिल्कुल, और ऐसे ही जो जल सेना है उसका भी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एनसीसी एयर विंग, जैसे जिसका मैं एनसीसी एयर विंग में हूँ यस, वैसे आर्मी विंग होती है, उसी प्रकार से नेवी विंग भी होता है जी। और जो हमारा स्कूल है भुवनेश बाल विद्यालय, उसमें आर्मी के दो बटालियन है, गर्ल्स बटालियन है, बॉयज बटालियन है, और एयर विंग का हमारा ए है। तो इस प्रकार से एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों ही फोर्सेस से एनसीसी के कैडेट्स होते हैं, और उनके ट्रेनिंग में जो बेसिक ट्रेनिंग है वो तो सेम होती है, ड्रिल है और इस तरह की चीज, लेकिन फिर जो टेक्निकल ट्रेनिंग्स है जैसे हमारे एयर में वो थोड़ी अलग होती है। अच्छा। हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट के बारे में बेसिकली ज्यादा, क्योंकि एयरफोर्स एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है आपसे, तो एयरक्राफ्ट के बारे में सारी जानकारियां, एयरक्राफ्ट कैसे काम करता है, क्या है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, क्या होता है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है जी। प्लस बेसिक ट्रेनिंग होती है। उस प्रकार आर्मी में उसका अलग होता है, आर्मी में ड्रिल पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, प्लस आपका वेपन ट्रेनिंग्स है आपकी, प्लस आपका जो मैप रीडिंग है उस पर, तो वो थोड़े से डिफरेंस है। बाकी बेसिकली है ऑर्गेनाइजेशन एक ही, लेकिन वो अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से, अलग अलग फोर्सेस के हिसाब से इसको थोड़ा अलग अलग ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है। तो हमारे एयरफोर्स में बेसिकली एयरक्राफ्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, और बच्चा काफी मतलब नजदीक से इस फील्ड को सीख सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो एक सामान्य बच्चे को जानकारी नहीं हो सकती जो एयरफोर्स के कैडेट को होती है या एयर एनसीसी कैडेट को होती है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर ये भी एक बनता है कि जो आप अभी कह रहे थे स्कूलों में और कॉलेजेस में जो बच्चे रहते हैं एनसीसी करते हैं, तो इसका भी जैसे ए सर्टिफिकेट बी सर्टिफिकेट बिल्कुल बिल्कुल क्या है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्कूल लेवल पे ए सर्टिफिकेट होता है जी। हमारे यहाँ 8th और 9th का बच्चा उसमें एनरोल करते हैं और 10th क्लास तक का बच्चा ही उसमें एलिजिबल रहता है।
तो वो 2 साल का उसका कोर्स होता है जिससे बच्चे को ए सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद कॉलेज लेवल पे बी और सी सर्टिफिकेट, पहले स्कूल लेवल पे बी सर्टिफिकेट हो जाया करता था लेकिन आजकल उसे कॉलेज लेवल पे कर दिया जी। और कॉलेज में हाँ बी और सी सर्टिफिकेट होता है जो 3 साल बच्चा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के साथ उसको करता है पैरेलल टू उसके एजुकेशन के साथ, चाहे वो बीएससी करे या बीकॉम करे या बीए करे। और किसी भी कॉलेज में हो तो या तो उस कॉलेज में एनसीसी होती है या कुछ ओपन वैकेंसीज होती है। तो जो बच्चे मेरी ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो ये ध्यान रखेंगे अगर आपके कॉलेज में एनसीसी नहीं है तो आप उस ओपन वैकेंसी आप यूनिट में जाइए, आपके जिस भी जहां भी आप हैं आप अपने यूनिट में संपर्क कीजिए और वहां ओपन वैकेंसीज होती है तो ओपन वैकेंसी से डायरेक्टली आप अपना एनरोलमेंट एनसीसी में करवा सकते हैं, चाहे आपके कॉलेज में वो एक्टिविटी नहीं है या ट्रिप आपके कॉलेज का नहीं है तो उस ओपन वैकेंसी। तो इस प्रकार से कॉलेज में रहते हुए आप 3 साल का एनसीसी का कोर्स करते हैं जिससे आपको बी और सी सर्टिफिकेट। तो इस प्रकार से ए बी और सी सर्टिफिकेट, फाइनली सी सर्टिफिकेट इज द लास्ट। तो जाहिर है कि यदि किसी बच्चे ने ए सर्टिफिकेट कर रखा है या फिर बी और सी तीनों कर रखे हैं, इन अलग अलग स्तर की जो ट्रेनिंग है उनमें अलग अलग तरह के फायदे होंगे। इन सभी फायदों की बातें हम आगे करेंगे लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि किसी बच्चे में वो सब एटिकेट्स, एक अलग तरह की भावना, एक अलग तरह का जज्बा, एक अलग तरह का अनुशासन, ये सब किस प्रकार से आ जाता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या डिफरेंस आप पाते हैं एक साधारण जो विद्यार्थी है उसमें और एक वर्दीधारी कैडेट्स में। बिल्कुल, देखिए बालू जी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि क्यों बच्चा एनसीसी ले, या मैं ये आपके प्रश्न से जो समझ पाया हूँ कि एक सामान्य बच्चे में और एक एनसीसी कैडेट जो है छात्र उसमें क्या डिफरेंस है। Exactly. या तो ये मैं आपको बताता हूँ जी कि देखो एनसीसी का मोटो जो है 9th में होता है तो सबसे पहली चीज डिसिप्लिन सीखता है जी। और लाइफ में मैं समझता हूँ मारू जी कि डिसिप्लिन ऐसी चीज है जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देती है। अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो बहुत मुश्किल है आपका सक्सेस होना। बिल्कुल, चाहे वो किसी भी चीज को, मैं सुबह उठने से लेकर आपकी दिनचर्या की भी बात कर रहा हूँ, मैं आपके रहन सहन की भी बात कर रहा हूँ, प्लस मैं डिसिप्लिन बेसिकली होता क्या है कि कोई भी नियम और कायदे हैं उनको फॉलो करना, यही डिसिप्लिन होता है। जो आपको बताया गया, जो स्कूल में बताया गया कि इस टाइम आपको ये क्लास अटेंड करनी है, एनसीसी में आपको बताया गया कि ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, जैसा हम हॉस्टल्स में देखते हैं क्योंकि हम हॉस्टल इंचार्जेस भी हैं तो हम देखते हैं कि हम एक टाइम टेबल बना के हॉस्टल में देते हैं और उसको फॉलो करना ही डिसिप्लिन होता है। लेकिन होता क्या है कि डिसिप्लिन फॉलो तो करते हैं लेकिन कब करते हैं, जब कोई अथॉरिटी होती है। हमने एक सामान्य नागरिक में भी देखा है कि अगर ट्रैफिक लाइट पे वहां चौराहे पे अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ है तो आदमी रेड लाइट देख के रुक जाता है, और अगर नहीं है तो उसका कोई नहीं है, चलिए निकल जाता जी। तो डिसिप्लिन वो नहीं है कि किसी अथॉरिटी के होते हुए आप डिसिप्लिन फॉलो करें, डिसिप्लिन वो होता है कि कोई अथॉरिटी आपको देख नहीं रही तब भी आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाए और रेड बत्ती देखते ही बच्चा नहीं मुझे रुकना है, मींस डिसिप्लिन उसकी लाइफ में आ जाए, ये सबसे पहले स्व अनुशासन जिसे कहते हैं, या फिर किसी कंट्रोल के वजह से डिसिप्लिन नहीं, उसका जो भी नियम कायदे हैं उसको तब फॉलो, एक अच्छे नागरिक बनने के लिए बहुत जरूरी है। तो गुड सिटीजनशिप के लिए से लेकर मैं बच्चे से स्टार्ट करके गुड सिटीजन ऑफ इंडिया तक ये बात करता हूँ कि डिसिप्लिन जो है मस्ट है। और एनसीसी में जब बच्चा कैडेट आता है तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया मोटो ही हमारा एकता और अनुशासन है, सबसे पहली चीज ये सीखता है। तो नंबर वन थिंग इज दैट जी। तो इसलिए बच्चा अगर नॉर्मल है और कैडेट है तो यहां से डिफरेंस चालू हो जाता है। यस, एक एनसीसी का बच्चा कल उसे ड्रिल में जाना है तो वो रात को ही अपने जूते देखेगा कि वो पॉलिश पॉलिश नहीं है। और मैं देखता हूँ सर हॉस्टल में कि बच्चे रात को पॉलिश कर रहे हैं जूतों को, अपनी यूनिफॉर्म देख रहे हैं कि आर दे प्रेस्ड और नॉट। Yes. तो एक बच्चे के अंदर ये चीजें, उसे सुबह जाना है तो रात को ही तैयारी कर, ये चीजें कैडेट बनने के बाद आती है जी। और ये लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से डिसिप्लिन और ये चीजें उसके अंदर आती है फर्स्ट थिंग। उसके बाद जो विभिन्न प्रकार के हमारे कैंप्स होते हैं, उन कैंप्स में जैसे नॉर्मली एटीसी और अपने सीएटीसी जो होता है एनुअल ट्रेनिंग कैंप, उसमें विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग बच्चा लेता ही है, ड्रिल की ट्रेनिंग करता है, वेपन ट्रेनिंग करता है, हमारे एयरक्राफ्ट के बारे में जानकारी, जैसे हमारे एयर विंग में है एयरक्राफ्ट की जानकारी करता है,
उसके अलावा भी कुछ एडवांस कैंप होते हैं, जैसे आपका लीडरशिप कैंप है, एडवांस लीडरशिप कैंप है, आपके नेशनल लेवल के कैंप्स होते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स है, आरडीसी है, आपका वायु सैनिक कैंप है, थल सैनिक कैंप है, जो नेशनल लेवल के कैंप्स होते हैं, तो वो कैंप्स विभिन्न स्थानों पर लगते हैं, तो हमारे कैडेट को मौका मिलता है कि देश के विभिन्न भागों और इवन विदेश में जाने का भी मौका मिलता है इससे। तो वो विभिन्न जगहों पर जाता है, वहाँ की ऐतिहासिक जगहों को देखता है, वहाँ के कल्चर को देखता है, वहाँ के, तो ये मौका है उसके लिए अपने आप को एक्सप्लोर करने का, वो जाता है। तो इन कैंप यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जो होता है उसके तहत फॉरेन बच्चे हमारे आते हैं, तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है कि विभिन्न कैंप्स के थ्रू बच्चे को जो उसके अंदर डेवलपमेंट होता है वो तो है ही, प्लस उसे मौका मिलता है ये सब चीजें देखने का, आगे बढ़ने का मौका। बिल्कुल निश्चित रूप से। इसके अलावा ड्रेसिंग सेंस है, आप देखिए कि जो बच्चा वर्दी में नहीं है उसने अगर अपनी स्कूल ड्रेस पहन रखी है, अगर कैडेट ने अपनी एक सिंपल ड्रेस भी पहन रखी है, तब भी बच्चा अपनी उस ड्रेस को भी एक अलग डेवलपमेंट। और जो आपने जो विषय लिया है हम धीरे धीरे उसी पे आ रहे हैं कि बच्चे का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन चीजों से ही होता है जी, है ना, वो उसकी पर्सनैलिटी में एक ड्रामेटिक चेंज आता है कैडेट बनने के। तो मैं जहां से बात स्टार्ट कर रहा था, आपने जो अभी आपने बॉडी लैंग्वेज की बात की कि बच्चा कैसे खड़ा हो रहा है, उसका पोस्चर क्या है खड़े होने का, आदमी की पर्सनैलिटी वहीं से नजर आती है जी। उसका चलने का तरीका क्या है, क्या वो बैलेंस करके चल रहा है या कहीं एक तरफ झुक के चल रहा है जी। खड़ा है तो वो कहीं एक टांग पे तो नहीं खड़ा हुआ, बैलेंस करके खड़ा। तो एक कैडेट हमेशा आप देखोगे कि उसके अंदर ये चेंज मिलेगा आपको, एक नॉर्मल बच्चा किस तरह से खड़ा होता है, कैडेट किस तरह से, उसका हेयर कट कैसा है yes। उसका नॉर्मली यूनिफॉर्म नहीं, नॉर्मली कपड़े पहनने का तरीका चेंज हो जाएगा जी। वो इवन कुछ भी पहनेगा उसको वेल्थ अच्छी तरीके से साफ सुथरा करके पॉलिश करके जूतों को एवरीथिंग उसका मैनेज होने का तरीका, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उसका कैडेट बनते ही शुरू हो जाता है जी। ये बिल्कुल निश्चित रूप से। तो ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होता है इसमें क्या क्या प्रोसेस, किस प्रकार की ट्रेनिंग बिल्कुल ऑर्गेनाइज करते हैं, एनसीसी में क्या चीज होती है जिससे बच्चे का पर्सनैलिटी डेवलप। आई थिंक आपका क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहली चीज है एनसीसी का जो मेन मैं कहता हूँ पार्ट है ड्रिल जी। ड्रिल बच्चे के अंदर सबसे पहली चीज तो जो डिसिप्लिन है मैंने आपको बताया वो पैदा करता है जी। ऑर्डर्स फॉलो करने का, ऑर्डर्स फॉलो करता है बच्चा आपका ठीक है। उसके बाद उसका फिजिकली तो वो स्ट्रांग बनता ही है ड्रिल से, बट मेंटली भी स्ट्रांग बनता है ड्रिल से। उसके बाद आपका उसका वो जो वॉकिंग स्टाइल है ये सब चीजें वो ड्रिल से काफी चेंजेस होते हैं ठीक है। उसके बाद आपके ड्रिल के बाद आती है आपके लीडरशिप ट्रेनिंग जो बच्चे ले सकते, तो लीडरशिप बहुत बड़ा पार्ट है। आप किसी भी ग्रुप में हो आपके अंदर अगर लीडरशिप का गुण आ जाता है तो आप उस ग्रुप में एक ऊपर चढ़ के नजर आते हो, आप एक ग्रुप में खड़े हुए हो तो आप अलग नजर आते हो। तो ये लीडरशिप क्वालिटी एनसीसी में आने के बाद डेवलप होती है। जब बच्चा कैंप्स में जाता है हम उसको सीनियर बनाते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे यहाँ का ही ए सर्टिफिकेट बच्चे हमारे हॉस्टल का ही बच्चा था धीरज जालोन, अभी एक मैं कैंप में मुझे जाने का मौका मिला था तो वहां वो कैंप सीनियर था। पूरा कैंप उसके अंदर 600 जो कैडेट्स आए हुए थे उस कैंप में, वो पूरे वो प्री वायु सैनिक कैंप था जी। और उस कैंप में वो धीरज जालोन कैंप सीनियर था और पूरे 600 बच्चों को होल्ड करना, सबकी प्रॉब्लम सुनना, सबको मैनेज करना, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो देखना जी। प्लस वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसको फॉलो, इसको कर रहा था। तो मैंने देखा जब वो हमारे यहाँ जब छोटी क्लास में था 8-9 में, उसने हमारे यहाँ 9-10 में जब हमारा ए सर्टिफिकेट दिया था वहां से उसमें वो चीज शुरू हुई, डेवलप हुई। और जब वो सीनियर कैडेट बना तो कैंप सीनियर के रूप में उसे देख के बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे। तो बच्चा लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर जबरदस्त जबरदस्त डेवलप हुई और
उसके बाद आता है आपका सिविल डिफेंस है, सिविल डिफेंस है ना, हेल्थ एंड हाइजीन है, बच्चा अपनी हेल्थ प्लस सोसाइटी प्लस हाइजीन ये चीजें वो पढ़ता है, इससे भी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आता है उसके अंदर। उसके बाद विभिन्न प्रकार के एडवेंचरस एक्टिविटीज करता है मानो जी बच्चा, जैसे ट्रैकिंग कैंप होते हैं हमारे एयरविंग में, आप ले लीजिए कि पैरासेलिंग होता है, पैराशूट से बच्चा जंप करता है, एयरक्राफ्ट से जंप करता है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज वजह से भी बच्चा जिसके उसकी पर्सनैलिटी में एक डेवलपमेंट होता है, सेल्फ डिफेंस बच्चा सीखता है, वेपन ट्रेनिंग बच्चा सीखता है, तो बहुत सारे एसेट्स हैं जिनसे बच्चे के अंदर धीरे धीरे पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होने लगता है, उसे पता ही आपात मैनेजमेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपात मैनेजमेंट सीखता है, विभिन्न प्रकार की सोशल सर्विसेज बच्चा करता है, ब्लड डोनेशन कैंप है आपका, फ्लड रिलीफ में जाता है बच्चा, कोई भी डिजास्टर आता है उस समय हेल्प के लिए एनसीसी कैडेट्स आते हैं, तो ये सब चीजें बच्चे के लिए बहुत उसको एक्सप्लोर करती है, उसकी पर्सनैलिटी में बहुत चेंज लाती है। निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि इतना है एनसीसी में कि उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। जो बड़े लेवल के कैंप होते हैं हाँ, उनमें जो बच्चे जाते हैं वो कुछ एयर का आनंद भी लेते हैं, आप अगर किसी ऐसे कैंपों में गए हैं तो हाँ, उनका भी कुछ अनुभव। हाँ बिल्कुल, मैं मुझे मौका मिला है मारू जी, दो बार मैं ऑल इंडिया वायुसैनिक कैंप में गया हूँ। ग्रेट। हाँ, और मुझे कुछ एनआईसी कैंप्स में भी जाने का मौका मिला है विभिन्न अलग अलग स्टेट्स में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लास्ट ईयर बिफोर लास्ट ईयर हम एनआईसी कैंप सतारा में गए थे, वहाँ मैं राजस्थान का कंटिजेंट कमांडर, एज ए कंटिजेंट कमांडर मैं उस ग्रुप के साथ गया था, और हमारे साथ पूरे स्टेट के कैडेट्स एसडी और एसडब्ल्यू गए थे। एसडी कैडेट्स हम बोलते हैं जो कॉलेज में होते हैं, और गर्ल्स को हम एसडब्ल्यू बोलते हैं, तो वो कैडेट्स मेरे साथ गए थे। तो एक तो एनआईसी कैंप में सबसे अच्छी बात यह है कि सभी स्टेट्स, हमारे 17 डायरेक्टरेट्स है, सभी स्टेट्स के बच्चे आते हैं, तो बच्चे को विभिन्न स्टेट्स के बच्चों से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, वो वहाँ का कल्चर है, वहाँ के डांसेस है, वहाँ की बातें हैं, वहाँ के फॉक्स हैं, वहाँ के रिलीजियंस हैं, सब कुछ बच्चा शेयर करता है आपस में, तो एक बहुत बड़ा उसको मौका मिलता है, इंटीग्रेशन हाँ इंटीग्रेशन होता है, और बहुत बड़ा ये एकीकरण का हमारा देश एक है और यही इसका मोटो है इस कैंप का, तो उसमें बच्चा अपनी अपनी स्टेट्स की जानकारी देता है, तो एक कैडेट को सभी स्टेट्स की जानकारी मिलती है, हर क्षेत्र के उसकी जानकारी घूमने का मौका मिलता है, घूमने का मौका मिलता है। जब हम उस कैंप में जाते हैं तो एनआईसी कैंप में दो दिन जो होते हैं वो घूमने के लिए होते हैं, बड़ा अच्छा कैंप है, तो बाकी दिन विभिन्न प्रकार के कल्चर एक्टिविटीज होती है, एनआईपी होती है, लेकिन दो दिन उसमें घूमने का होता है, तो हमें महाबलेश्वर और जो भी आसपास की जगह थी वहाँ हमने कैडेट्स के साथ विजिट किया, बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार के कैंपों में, उसके बाद ऑल इंडिया लेवल के जो वायुसैनिक के हमारे कैंप होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के स्टेट डायरेक्टेड वाइज कॉम्पिटिशन होते हैं, जिसमें फ्लाइंग का कॉम्पिटिशन, जैसे हमारे एयरविंग में फ्लाइंग का कॉम्पिटिशन होता है, और मारू जी मैं आपको बताऊँ की एक कैडेट को अकेले सोलो फ्लाइंग करने का मौका मिलता है, ये एनसीसी एयरविंग का मैं सबसे बड़ा वो मानता हूँ कि हाँ प्लस पॉइंट है कि बच्चा खुद हवाई जहाज उड़ा सकता है, और उसको इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, और कई बच्चे इस ट्रेनिंग के दौरान 50-60 आवर्स की फ्लाइंग कर लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, 50-60 घंटे तक बच्चा फ्लाइंग कर लेता है, और फ्लाइंग का कॉम्पिटिशन होता है वहां पे, तो उसका एरो मॉडलिंग है, बच्चा खुद हवाई जहाज बना के उसको उड़ाता है एरो मॉडलिंग के, तो एयर हमारा जो वायुसैनिक कैंप है इसमें इस तरह के कंपटीशन होते हैं, इसी प्रकार थल सैनिक और नेवी में भी आपके देखने को मिलते हैं, तो ये सारे जो नेशनल लेवल के कैंप्स हैं बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सहायता करते हैं बच्चे की। और मैं कहता हूँ कि जो जिस बच्चे ने वायुसैनिक कैंप कर लिया, क्योंकि वायुसैनिक कैंप या थल सैनिक कैंप करने के लिए उसके प्री कैंप करने पड़ते हैं, उसमें से फिल्टर होकर बच्चे वहां पहुंच पाए, तो जो बच्चा उस कैंप में पहुंच गया जिसने ऑल इंडिया लेवल के कैंप कर लिए, तो निश्चित रूप से उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, और इसके लिए उसे जो सर्टिफिकेट मिलता है उसके आगे काम भी आता है, कई जगह उसके मार्क्स जुड़ते हैं उसके। इसके अलावा ऐसे एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं बड़े? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम जब ट्रेनिंग में थे तो हम अगर नॉर्मली अगर हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो सीधा हम अपना गए और अपना सामान्य यात्री की तरह जाते, लेकिन एज अ एनसीसी ऑफिसर और एज ए कैडेट्स बच्चे को मौका मिलता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर जाने का, और अंदर जाके वो जब सारी चीजें सीखने का देखने का कि कैसे हवाई जहाज को कंट्रोल किया जाता है, कैसे वो फ्लाइंग करके कैसे लैंड करता है, कैसे उसका, तो वो चीजें एक नॉर्मल सिविलियन बच्चा नहीं देख सकता, जो कैडेट देख सकता है, तो ये बहुत बड़ी चीज है।
मुझे लगता है बाबूजी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं एनसीसी में जो बच्चे के लिए पर्सनल उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। आप देखिए इसके अलावा जो बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलता है, जो बच्चे आरडीसी में होते हैं वो प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं बिल्कुल, और उनसे इंटरेक्ट करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स से मिलते हैं बिल्कुल, और वो कहीं ना कहीं उन लोगों से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, कनेक्ट होते हैं, और वो सपने एक तरह से उनका ये सपना हो जाता है कि हम भी ये बने बिल्कुल, और इसी तरह से फिर उनका उनको एक रास्ता मिलता है, कहीं हमारे यूथ को एक वे मिल जाता है जहां से फिर वो आगे बढ़ना। मैं कहता हूं कि जो बच्चा एक बार एनसीसी का कैडेट बन गया, वंस अ कैडेट ऑलवेज अ कैडेट, मतलब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी कैडेट रहे हैं एनसीसी के, और वो इसका जिक्र कई बार करते हैं और विशेष करके फोटो भी है, हां वो उसमें नेट पे फोटो भी है। तो जो बच्चा एक बार जिसने एनसीसी की वर्दी पहन ली, जो कैडेट चाहे वो आर्म फोर्सेस की तरफ गया भी ना हो या वो किसी और देश के लिए कुछ और सर्व कर रहा हो, किसी और फील्ड में सर्व कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो या कोई और फील्ड में काम कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो जो जज्बा है उसके अंदर एक कैडेट का वो हमेशा जीवित रहता है, बिल्कुल बिल्कुल रहता है बिल्कुल। अब हम अपनी इस बातचीत का लगभग अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच गए हैं, लेकिन हम उससे पहले दो तीन क्वेश्चन और हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारे कैडेट्स के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे करने निहायत ही जरूरी है, बिल्कुल, जिनमें ये है कि कोई कैडेट्स एनसीसी लेता है तो उसको अपनी जॉब में जब वो आगे अपनी जॉब के लिए अप्लाई करता है तब उसको किस प्रकार से कौन कौन सी ऐसे जॉब है जहाँ उनको फायदा होता है। मतलब मैं समझता हूँ आपका प्रश्न इस विषय को लेकर है कि एनसीसी कैडेट्स को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो उसकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट हुआ है, जो उसने अचीवमेंट्स अपने पर्सनल लेवल पे किए हैं वो तो एक बहुत बड़ा पार्ट है ही सही, वो तो है ही सही। लेकिन उसके वो जिंदगी भर के लिए चाहे वो किसी भी मैंने जैसा बताया किसी फील्ड में जाए वो उसके हमेशा काम आते हैं, लेकिन फिर भी एज ए एनसीसी कैडेट अगर सी सर्टिफिकेट बच्चा करता है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स उसको होते हैं या विभिन्न प्रकार के जो सर्टिफिकेट्स हैं उसके क्या क्या, वो भी मैं बता दूं, क्योंकि जो बच्चा है हमारे दर्शक इस शो को देख रहे हैं जो इंस्पायर होंगे, अगर इससे हमारा मोटो भी यही है कि हम ये प्रेरित कर रहे हैं बच्चों के लिए, अधिक से अधिक बच्चे हमारे एनसीसी जुड़े कैडेट से बने एनसीसी से जुड़े एक बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहली चीज मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट जो बच्चा कर लेता है जी अच्छे ग्रेड्स में, एबीसी तीन ग्रेड्स होते हैं या बी ग्रेड में कर लेता है तो वो उसके लिए जो एसएसबी होता है वो डायरेक्ट एसएसबी दे सकता है, जो हमारे सीडीएस वगैरह जो एग्जाम होते हैं जिससे आर्मी या एयरफोर्स ऑफिसर बनता है बच्चा, तो उसमें डायरेक्ट एसएसबी के लिए उसको बुलाया जाता है, उसको रिटर्न एग्जाम फाइट नहीं करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वो रिटर्न एग्जाम उसके लिए नहीं होता जो एनसीसी इसका सी सर्टिफिकेट दिया होता है, क्योंकि वो एक लेवल तक की पीएट नहीं होता। हाँ हाँ, वो उसको ये बेनिफिट दिया जाता है कि वो एनसीसी के थ्रू डायरेक्ट एसएसबी के लिए जाएगा, उसका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा जी, और जो वो ट्रेनिंग किए हुए होता है उसकी वजह से वहां भी उसको बहुत बेनिफिट मिलता है जी। और मैंने देखा है मारू जी के मोस्टली जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं या जो हमारे ऑफिसर्स बनते हैं विभिन्न फोर्सेस में, मोस्टली एनसीसी कैडेट्स, दे आर एनसीसी कैडेट्स मोस्टली। तो रीजन इज दैट कि एक तो उनके अंदर वो जज्बा पैदा हो जाता है, एक सोल्जर उनके अंदर पैदा हो चुका होता है, उसके बाद उनको ये बेनिफिट्स मिलते हैं, वहां पे भी उनको प्रायोरिटी मिलती है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है सबसे, मैं जिसे मानता हूँ कि काफी है। उसके बाद केवल हमारी आर्मी या एयरफोर्स या नेवी में ही नहीं, जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जितने भी हमारे अलग अलग पुलिस के जो हैं विभिन्न स्टेट्स के पुलिस हैं, इन जो है इनमें भी उनको कुछ निश्चित मार्क्स या किसी न किसी रूप में बोनस बोनस अंक वगैरह मिलते हैं उनको, जैसे हमारे स्पोर्ट्स का नेशनल सर्टिफिकेट होता है बिल्कुल, उसके लेवल का बेनिफिट, उससे ज्यादा बेनिफिट उनको एनसीसी का सी सर्टिफिकेट वाले को मिलता है जी। इवन अगर बच्चा कॉलेज में एडमिशन के लिए जाता है, मेरे पास कई बार ऐसा मेरे पर फोन आते हैं हमारे जो एक्स, मुझे भी 11 साल हो गए एनसीसी से जुड़े हुए, तो कई बार कैडेट्स के फोन आते हैं कि सर मुझे एनसीसी की वजह से उसमें एडमिशन मिल गया, वहां पर 84% जा रही थी, मेरी 1% कम थी, मैंने एनसीसी का सर्टिफिकेट लगाया और आई वाज सिलेक्टेड इन द कट ऑफ। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको एक किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए भी ये बेनिफिट मिलता है, बिल्कुल मौका मिलता है। उसके बाद जो बेनिफिट्स हैं मार्क्स और बोनस मार्क्स का तो है ही सही,
उसके बाद कई तरह की स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है एनसीसी। यस हाँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है कि बच्चे को विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। उसके बाद बच्चा विभिन्न कैंप्स में जाता है, वहाँ गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस पे वो सारा उसको घूमने का और विभिन्न प्रकार के चीज़ें जाने का मौका मिलता है, तो बहुत सारे उसको बेनिफिट्स इस रूप में भी मिलते हैं। ये दूसरा, अपने जो एनसीसी में जो बच्चे थे जो आपके हाथ से निकले, उसके बच्चे भी बहुत सारे होंगे जो जिनका सिलेक्शन आर्मी में, बिल्कुल, जिनका कई जगह पे अच्छे अच्छे स्थिति पे आज वो स्टैंड कर पा रहे, बिल्कुल बिल्कुल, और उन बच्चों से हम अभी भी कनेक्टेड हैं और वो हमेशा हमें फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे और हमें फोन करते रहते हैं, तो ये एक बहुत प्राउड फील होता है बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन। मुझे भी प्राउड फील होता है कि हमारा एक बच्चा जो हमारा कैडेट था आज देश की सेवा कर रहा है, चाहे वो ऑफिसर के रूप में है या सोल्जर के रूप में है। हमारे यहाँ से अभी कई सारे ऐसे बच्चे निकले हैं जो विभिन्न फोर्सेज में, चाहे वो नेवी में हो, एयर फोर्स में हो या आर्मी में हो, देश की सेवा कर रहे हैं, विभिन्न पदों पे हैं, ऑफिसर्स हैं, कैडेट सोल्जर्स हैं, और तो ये बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्राउड फील होता है। और मतलब एक अपने आप में ऐसा लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो कि हमें भी गर्व होता है उनसे, उनको जब हम देखते हैं। जी बिल्कुल। एक और प्रश्न है, हाँ, कि जो देश के युवा हैं, जो यूथ हैं, उनका उनको कोई संदेश हो आपका, कोई ऐसी बात हो जो आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं हमारा, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे एनसीसी का जो मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, और मैं डिसिप्लिन को लाइफ में यूथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को उतारे। जी, चाहे वो किसी भी रूप में हो। मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठने से लेकर इस बात को कनेक्ट करता हूँ कि सुबह जो बच्चा एनसीसी में है उसको पता है कि ट्रेनिंग जब होती है उसकी तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है। जी, तो वहां से लेकर और उसके सभी चीजों में, उसके अपने रूम को रखने के रखरखाव में, अपनी चीजों को रखने के संभालने के उसमें, अपने इन सब चीजों में एक डिसिप्लिन को वो होता है, और लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और हमारे एनसीसी में जो सबसे मेन हम चीज सिखाते हैं ये है, और यूथ के लिए है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखे, सकारात्मक सोच रहे, और किसी चीज में, किसी फील्ड में है और आप उसमें सफल नहीं हुए तो कभी भी ये ना सोचे, हमेशा सेकंड चांस हमेशा होता है, आप दूसरे फील्ड में ट्राई कर सकते हैं। अपने आप को कमजोर ना करें, मजबूत रखें अपने आप को, और किसी भी प्रकार के फेलियर से हार्डवर्क करता है, कंटिन्यू उसकी स्ट्रेंथ पर काम करता है, उसकी मेंटली और फिजिकली फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। जी, इस पर ध्यान रखें आप अपना, आपके दिमाग को भी कमजोर ना होने दें, अपने शरीर को भी फिट रखें। एनसीसी में जो हमारा सुबह का सेशन होता है एक्सरसाइज वगैरह का, वो फिजिकली फिट रखने के लिए जरूरी है। और इस तरह से मैं कहना चाहूंगा यूथ से कि मजबूत रहे, और हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। यस, तो ये थे महेश चौधरी जी, एनसीसी अधिकारी एयर विंग से, और आज की इस शाम का आपने बहुत बहुत अपना समय दिया, इस शाम को बहुत ही अच्छा और एक नॉलेज वाला समय बनाया। मैं सोचता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे यूथ के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को निश्चित रूप से एक बड़ा फायदा मिलेगा, नॉट ओनली कि भी वो एनसीसी में हों, ये भी कि वो अपने जीवन में अनुशासन को किस प्रकार से उतार ले, किस प्रकार से आगे बढ़े, और उनको एक हौसला अफजाई जरूर होगा आज की इस बातचीत से, मुझे लगता है। तो मैं जन सरोकार मंच टॉक और खुद मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतना समय निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नारू जी, और मैं एक बार फिर जन सरोकार मंच और आपको भी, मैं भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर आपके बोलने का मौका दिया, और एनसीसी इस विषय पर चर्चा करने का हमें मौका मिला। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जो दर्शक हमारे हैं या जो कैडेट्स या जो बच्चे हैं वो इसको देखेंगे, मोटिवेट होंगे, निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हम एक बार फिर से मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नई शाम को,
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।